नमस्कार और स्वागत है आपका डीएवी के प्रांगण में। आज डीएवी के लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, महात्मा हंसराज जयंती। तो आइए देखते हैं हमारा स्कूल महात्मा हंसराज जयंती को किस तरीके से मना रहा है। औरों के दुख हरने वाले विरले जन ही आते हैं, पर जो परहित सर्वस्व लुटा दे वो हंसराज कहलाते हैं, वो हंसराज कहलाते हैं। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक साहेबान और मेरे प्यारे साथियों, मैं हितैषी कक्षा 10वीं A1 की छात्रा हूँ और आज हमारे बीच वार्ता का विषय है महात्मा हंसराज। छोटे छोटे त्यागों और कामों का इतना महत्व नहीं होता जितना अधिकांश व प्राय अपने सभी सुखों को त्याग देने का होता है। इसी कारण देश के लिए बलिदान देने वालों को सर्वत्र नमन करने सहित उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर उनसे प्रेरणा ग्रहण की जाती है। ऐसे ही एक महान व्यक्ति महात्मा हंसराज का जन्म 19 अप्रैल 1864 को पंजाब के होशियार जिले के एक छोटे से शहर बाजवाड़ा में हुआ था। हंसराज केवल 12 साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनका परिवार लाहौर चला गया, जहां जाकर उन्होंने स्वामी दयानंद के व्याख्यान को सुना और इससे उनका जीवन काल हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने उत्कृष्ट अंकों के साथ बीए की डिग्री को पूरा किया। ऋषि दयानंद की 30 अक्टूबर सन 1883 में मृत्यु होने पर उनके विचारों के अनुरूप शिक्षा का प्रचार करने के लिए जिस स्कूल व कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव आर्य समाज लाहौर की ओर से किया गया था, उसको आगे बढ़ाने और सफल करने के लिए लगभग 22 वर्षीय महात्मा हंसराज जी ने 27 फरवरी सन 1886 को अपने जीवन दान करने की घोषणा की। इसका सुखद परिणाम यह हुआ था कि आर्य समाज लाहौर द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक अर्थात डीएवी पब्लिक स्कूल की स्थापना हुई, जिसने समय के साथ उन्नति करते हुए देश से अविद्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महात्मा जी ने डीएवी स्कूल से आजीवन बिना कोई वेतन लिए तन और मन से स्कूल और कॉलेज की सेवा की और अपने इस महाव्रत का पालन करके एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसकी उपमा हमें कहीं दिखाई नहीं देती। महात्मा हंसराज जी ने अपने त्यागपूर्ण कार्यों से अपनी नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति सहित धर्म, विद्या एवं संस्कृति तथा सबकी सामाजिक उन्नति में तत्पर होने का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। रोग के चलते 15 नवंबर सन 1888 को महात्मा जी का लाहौर में देहांत हो गया। ओम का उच्चारण करते और वेदों के पवित्र मंत्रों का पाठ सुनाते हुए वह इस संसार से चल बसे। आज जब देश में शिक्षा सिर्फ व्यवसाय का माध्यम बनती जा रही है, ऐसे में महात्मा हंसराज के आदर्शों और सिद्धांतों को अपनाना बहुत आवश्यक है। अपने जीवन का तप और त्याग प्रत्येक अध्यापक के लिए सिखाने योग्य है। अखंड कर्म योगी महात्मा हंसराज को मेरा नमन एवं पुण्य स्मरण। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू हितेशी। नाउ आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट महात्मा हंसराज जी एंड द सैक्रिफाइसेस ही मेड। Now I would like to invite Ragtaal Club to perform bhajans along with live charcoal painting by Damita. So put your hands together. Thank you.
Now, I would like to request our worthy principal ma'am to please come on stage and say a few words. So give a huge round of applause. A very good morning to all of you. Establishment of Arya Samaj was done much before the establishment of the first educational institute. Can you see the picture over there? Can you see the year, in which year the first institute was established? 1886. Right? Since then, our institutes throughout India and over the world, they are progressing and working. For what? For you people. To create Aryas. Arya means civilized. Yani aise logon ka collection, group, जो कि अच्छा थॉट रखता है, अच्छे कार्य करता है, वो होते हैं आर्य समाज. एक सिंपल डेफिनेशन आप लोगों के लिए.